हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वापस आपको भरूच के एक ऐतिहासिक स्थान पे लेके आया हूँ और वो आध्यात्मिक जगह भी है। आपने कभी सुना है कि भरूच के अंदर रंग उद्युत महाराज आए और उन्होंने एक जगह पे बैठ के तपस्या रखी है? नहीं सुना है तो मैं आपको यही गायत्री माता मंदिर के अंदर उनकी तपस्थली है वहाँ लेके जाता हूँ। तो मेरे साथ चलिए विश्व गायत्री माता मंदिर के अंदर। ओम भूर्भुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। यहाँ पे आप माँ गायत्री की पंचमुखी मूर्ति देख सकते हो, इनके दर्शन कर सकते हो। नर्मदे हर माँ नर्मदा मैया का दर्शन कर सकते हैं आप। आचार्य श्री अखिल गिरि जी महाराज, भैरवनाथ की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ पे ये महातीर्थ का जो पुराण में महत्व है वो आपको 24 प्रदक्षिणाएं मंदिर की करनी पड़ेगी आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो भगवान ब्रह्मा जी एक बार पुष्कर तीर्थ में भृगु ऋषि आश्रम आए थे, तो माँ नर्मदा जी ने उनको दर्शन दिया और बोला कि भृगु क्षेत्र में महावीर विराट कोटि कुंड श्री गायत्री महायज्ञ और दशाश्वमेध यज्ञ एक युग पर्यंत करना है, जिसे आप भृगु क्षेत्र में समग्र ब्रह्मांड में अमर बन जाएगा। माँ नर्मदा जी के आदेश के मुताबिक ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ में यज्ञ किया। एक युग तक 88,000 ऋषियों, 33 कोटि देवी देवियों, 84,000 सिद्धों और लाखों साधु संतों ने तपश्चर्या कर स्वयं ब्रह्मा जी गायत्री पीठ की स्थापना की। उसके बाद भृगु ऋषि की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र ब्रह्मपीठ का पुनरुद्धार किया। परम पूज्य श्री आचार्य अलख जी महाराज 1966 में दिगंबर अवस्था में अचायक मौन सहित नर्मदा परिक्रमा की। इस स्थान पे सतत 3 रात तक उन्होंने नर्मदा जी ने उनको दर्शन दिए। विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ, गौतम, अत्रि भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, सुखदेव जी तथा सर्वे सप्त ऋषि मुनियों के दर्शन देने के बाद माँ विश्व गायत्री साक्षात प्रकट हुए और ब्रह्म पीठ का पुनरुद्धार करने का आदेश दिया। सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये जो आप वटवृक्ष बाजू में देख सकते हैं उनकी 24 प्रदक्षिणा करनी पड़ती है। तो इसमें ये जो प्राचीन वटवृक्ष है अति प्राचीन है, तो भगवान अर्धनारेश्वर महादेव यहाँ पे विराजते हैं। हर गुरुवार और रविवार को एक श्रीफल, दिया, धूप और सवा सेर सुखड़ी में गायत्री माँ को अर्पण करना पड़ता है और पवित्र वट की 24 परिक्रमा करनी पड़ती है। इससे अपनी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। संतान प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, देवा में से मुक्ति, लग्न, बंधन मुक्ति, भूत प्रेत, पिशाच और कुछ ऐसी जो बाधाएं हैं जो मुक्त होते हैं यहाँ से। यहाँ पर कोई भी प्रकार के रोग जो होते हैं वो मिट जाते हैं। तो ऐसी सर्व प्रकार की आदि व्याधि उपाधि में से मुक्ति मिलती है, आध्यात्मिक साक्षात्कार होता है और मोक्ष को प्राप्त मिलती है। यहाँ पे आप भजन होता है, ये पूरा हॉल है। यहाँ पे गायत्री माता का या दत्तात्रेय
का भजन वगैरह भी होता है यहाँ पे। ये विश्व गायत्री ट्रस्ट के द्वारा आपको कुछ जन्माक्षर दिखाना है तो जन्माक्षर भी वो लोग देखते हैं, और यहाँ पे पूरा आध्यात्मिक पुस्तक मिलते हैं। ये जो महातीर्थ है गायत्री माता का मंदिर, ये माँ नर्मदा मैया के किनारे पाया हुआ है, और आप नीचे देख सकते हो पूरा नर्मदा मैया का घाट है, और यहाँ पे नीचे भी बहुत सारे मंदिर हैं। इसमें पंचदेवी मंदिर है, नर्मदा स्नान घाट है, सप्तऋषि मंदिर है, नर्मदेश्वर महादेव है। अभी हम लोग वहाँ जा करके इनके दर्शन करेंगे, आइए मेरे साथ। ये पंचदेवी का मंदिर है पूरा, उमिया माता जी है, अन्नपूर्णा माँ, अंबाजी माँ, महाकाली माता और महालक्ष्मी माता जी। उमिया माता की जय। काल भैरव दादा है, काल भैरव माँ माँ अन्नपूर्णा माता की जय, अम्बे माता की जय, महाकाली माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय। ओम गंगणपते नमः। अभी हम लोगों ने पंचदेवी के दर्शन किए, अभी हम लोग आगे महादेव जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। और एक स्थान है जो जहाँ पे श्री श्री अलकगिरी महाराज ने वहाँ पे तपश्चर्या की थी, तो उनको वहाँ पे सप्तऋषि और माँ नर्मदा ने उनको दर्शन दिए थे, तो वो जगह पर हम लोग अभी जाएंगे, चलिए मेरे साथ। ये स्थान जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे महामंडलेश्वर श्री अलकगिरी जी महाराज ने दिगंबर आस्था में यहाँ पे 3 साल तक तपश्चर्या की थी। वो तपश्चर्या के बाद माँ नर्मदा माँ और सप्तऋषि ने उनको दर्शन दिए थे, इसीलिए ये महातीर्थ कहा जाता है। तो यहाँ पे नर्मदेश्वर महादेव का भी उन्होंने स्थापना की थी, तो इनके आप दर्शन कर सकते हैं नर्मदेश्वर महादेव। अभी हम नर्मदा मैया के घाट की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये रास्ता बंद है क्योंकि क्या यहाँ मगर का खतरा है और पानी भी बहुत डेप्थ है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ नहीं जा सकते हैं। हम सप्तऋषि के दर्शन करने के लिए दूसरे और रास्ते से जाते हैं, तो चलिए मेरे साथ। अभी जो हम लोग सप्तऋषि के दर्शन करेंगे तो इनके नाम मैं आपको बताता हूँ, चलिए मेरे साथ। पहले जो ऋषि है वो मार्कंडेय ऋषि है, दूसरे ऋषि जो है उनका नाम है अत्रि ऋषि, तीसरे ऋषि है याज्ञवल्क्य ऋषि, चौथे जो ऋषि है वो गौतम ऋषि, पांचवे जो ऋषि है वो भृगु ऋषि, छठे जो ऋषि है वो विश्वामित्री ऋषि, और सातवें जो ऋषि है उनका नाम है वशिष्ठ ऋषि। तो हम लोगों ने 7 ऋषि के दर्शन किए, अभी हम लोग नर्मदा मैया के दर्शन करते हैं, चलिए नर्मदा मैया के मंदिर के पास जो बिल्कुल नर्मदा मैया के किनारे पे हैं, आइए मेरे साथ। माँ नर्मदा मैया के दर्शन नर्मदे हर। सप्तऋषि के दर्शन के बाद हम लोग सीधे चलते हैं दत्तात्रेय भगवान के मंदिर, आप आइए मेरे साथ दत्तात्रेय भगवान के मंदिर के अंदर। सिद्ध औदम्बरम भगवान श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। ये गायत्री मंदिर जो है उसके परिसर के अंदर आपको रहने की भी व्यवस्था मिलती है, आपको इसके लिए कार्यालय में कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वो कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका एड्रेस भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पूरा आप देख सकते हो उसकी धर्मशाला जो है। अमृत योगालयम भी है यहाँ पे, एक धार्मिक प्रसंग भी होते हैं, एक बहुत बड़ा हॉल है यहाँ पे, तो आप कोई धार्मिक प्रसंग करना चाहते हो तो भी कर सकते हो।
ये पूरा जो हॉल देखते हैं आप, ये नर्मदा परिक्रमावासी के लिए यहाँ पे रहने की और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। ये गायत्री माता मंदिर के अंदर भी आप, एक गौशाला है, ये गौ पालन यहाँ पे होता है। और अंदर कहा जाता है कि रंग अवधूत महाराज ने भी तपश्चर्या की थी, तो उनका भी स्थान देखने के लिए जाएंगे। ये जो स्थान है, यहाँ पे श्री रंगोदूत महाराज आए थे और उन्होंने भी यहाँ पे तपश्चर्या की थी। ये इनका छोटा सा रूम है। ये भाई मेरे साथ है, उनका नाम पृथ्वीराज है। ये भरूच के ही लोकल हैं, यहाँ झाड़ेश्वर गांव है, वहाँ पे रहते हैं। मुझे तो मालूम नहीं था कि यहाँ पे रंगोदूत महाराज आए थे और उनका तपस्थली इधर है, लेकिन ये जो पृथ्वीराज है उन्होंने बताया। तो पृथ्वीराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पर खूंद है उसमें भगवान ने सूर्य केतु नाड़ी दिया है। सूर्य केतु नाड़ी, वो क्या होता है कि सूर्य के जो रेज होते हैं ना, वो एब्सॉर्ब करके पूरे दूध के अंदर लेके जाते हैं, इसीलिए उसका दूध पीला आता है। हमेशा गाय का दूध पीला होना चाहिए, तभी मानेगा कि देसी गाय है। अभी देखो इनकी खूंद नहीं है, सीधा गर्दन है। ये गाय इस नहीं, ओ उसका नहीं है देखो, तो उसका हाँ, प्योर व्हाइट इसका भी नहीं, दूध आएगा, इसका भी इसका नहीं, भी नहीं है। व्हाइट ही आता है तो ये अपनी देसी गाय नहीं है। ये गायत्री माता का मंदिर जो है वो भरूच झाड़ेश्वर चौकड़ी नेशनल हाईवे नंबर 8 के पास आया हुआ है। थैंक यू।